तो महंगाई खाइएगा तो पड़ेगा नहीं महंगाई, तो खाना छोड़ दे। ए मर जाओ, खाना छोड़ दिया जाएगा। बुलडोजर का डर है क्या? किस बात का डर है? हम बिहार में रहते हैं, यूपी सरकार से डर नहीं, हमारा बिहार सरकार है। देखिए रोड का, यही तो डिजिटल इंडिया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। सबसे बढ़िया जो दारू चालू करेगा उसको वोट देंगे। एक आदमी पे लमसम 1 करोड़ रुपया कर्ज, नहीं 1,08,000 रुपया एक बच्चा पे कर जाए, एक छोटा छोटा बच्चे जो नम रहा है उसको भी कर जाए। वो कहाँ गया है पैसा? मोदी जी बोले थे काला धन लाएंगे। काला धन तो क्या है, सारा घोटाला करके बैठ गए क्या? बीजेपी में राजा के बेटा राजा नहीं है, परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, सब में है परिवारवाद। पब्लिक तमाशा बनता है, स्टेडियम बन रहा है पब्लिक। जाओ भाई, है इतना लोग जनता बताए ताली के साथ में, सही बात है गलत है? सरकार कहाँ है, छुपी है? बहुत अच्छा लगता है बीजेपी के, एक ही बात अच्छा लगता है, 15 लाख देंगे, 15 लाख सबके खाते में आया, यही अच्छा लगता है सबसे बढ़िया, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, गोली खिलाने में अच्छा काम। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम चुनावी चक्का लेकर प्रदेश से, देश से, तमाम लोकसभा सीटों से जनता का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम बेतिया में मौजूद हैं और ये लगता है पश्चिमी चंपारण। यहाँ से मौजूदा सांसद जो हैं वो भाजपा से हैं, लेकिन बैनर पर जो चीज़ें लिखी हैं, दीवारों पर जो पुतवाया गया है, उससे लगता है कि जनता थोड़ा सा जो है अपने मौजूदा सांसद जो हैं उनके कामकाज से थोड़ा सा नाराज है। संजय जायसवाल हैं और यहाँ पर लिखा है, आइए दिखाइए, यहाँ पर लिखा है भाजपा भगाओ देश बचाओ, वहाँ पर लिखा है अडानी अंबानी मालामाल हैं, देश की जनता बेहाल है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। हटो बच्चों, वहाँ लिखा है नफरत नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, ये जो है ये बैनर पर लिखा हुआ है। तो चाचा ये सब क्या लिखा हुआ है? ये हमको पता नहीं है। काहे आप यहाँ नहीं आते हैं क्या? नहीं, बाजार आते हैं फिर 10 मिनट के लिए चले जाते हैं। तो आप लोग अपने सांसद को कैसे देखते हैं, उनका काम कैसा देखते हैं? हम लोग क्या देखेंगे? संजय जायसवाल जी जीत लेते हैं फिर नहीं आते हैं। तो कौन जिता रहा है उनको? आप ही लोग तो जिता रहे हैं। हम ही लोग जिता रहे हैं। इस बार क्या माहौल है यहाँ से पश्चिमी चंपारण से? इसका कोई ठीक नहीं है, कौन माहौल है नहीं है, हम लोग तो सीधा साधा आदमी है, खेती बाड़ी करते हैं। तो सीधे आदमी वोट डालते हैं कि नहीं? तो डालते तो ये तो मार्केट में पता चलता है, बड़ बाजार घूमने फिरने में। तो यो तो मार्केट है ना चाचा, तो हम तो आते हैं चले जाते। देखिए बाबा, एक एक आदमी का वोट बराबर, आपका वोट और मोदी का वोट दोनों का बराबर, तो जितना उनके पास ताकत है उतना आपके पास ताकत है। आप जिधर दबाएंगे एक गिनाएगा, मोदी दबाएंगे एक गिनाएगा। बदलाव है बाबा। कहाँ रिसाइल बटा बाबा तू लोग? कोई काम नहीं। खाली चकमा दे के लिखत लो पढ़त लो, कौन हमी के लाभ नहीं के मिला। मरीज जाता कुछ होता डेली में साइन वो कागज पर नहीं कर दी, कुछ राहत नहीं मिला मरीज कुछ हो। आप लोग जाते हैं तो आपके सांसद आपसे मिलते भी नहीं? मिलते भी नहीं। तो हम बेतिया में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का जो है वो नाराजगी अपने मौजूदा सांसद से है। और ये जो इलाका है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सारी योजनाएं जो चलाई गई हैं, उसके उलट यहाँ पर झोपड़ियाँ जो है वो ज़्यादा नज़र आती हैं। बेतिया के जनता का क्या मूड है, पश्चिमी चंपारण में लोग क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं, यही जानने और समझने के लिए हम प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पर जा ही रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? दिनेश। ये बताइए क्या माहौल है यहाँ का? अब वो सब के बारे में तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग अपना खा नया कमाने का हाल जानते हैं। बस तो वोटवा तो डालते होंगे ना? वोट उस वक्त का बात ना है, जिसको जीतना है भाई उसी को वोट दिया जाएगा। कैसे पता चलता है कौन जीतता है? जनता जिस तरफ जाती है उस तरफ जीत जाती है। सर जब नहीं बताए तो कैसे हम बता दें? मोदी के दें कि बाबा के दें कि नीतीश कुमार के दें, कैसे बता दें हम लोग? कौन बताएगा आपको सर, कौन है आप? जब उधर को पब्लिक आदमी जब बताएंगे, कोई आदमी खेत गृहस्थी वाला है तभी तो समझेंगे। जब कोई बताना नहीं तो जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, जिसको जीत होगा वो चले जाएगा। चाचा आप लोगों को कोई आके बताता है? आप लोगों का अपना मूड नहीं होता? नहीं बता रहे हैं। तो आपका अपना विवेक होना चाहिए ना कि आपको किधर बटन दबाना है, कौन आके बताएगा? नीतीश कुमार को दिया जाएगा। नीतीश को?
मतलब क्यों? तो क्या क्या किसको दिया जाएगा बताइए? हम पूछ रहे हैं नीतीश कुमार को क्यों देंगे? नीतीश कुमार पे तो बड़ा आरोप लगता है कि वो इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं, उधर से आते हैं इधर चले आते हैं। नीतीश कुमार ने पहले एगो विकास को काम किया, आतंकवादी को भगाया, लेकिन नीतीश कुमार एक जगह पर ठोटुक नहीं है, वो दल बदरू हो गया, दौड़ के मोदी में जाता है तो कांग्रेस में दिया जाएगा वोट, कांग्रेस में। उसमें क्या बढ़िया लगता है? लोग कहते हैं 70 साल से तो वो देश को लूट रही है, अब बताइए। हम लोग किसको बताएंगे, गिरिया आदमी किसको बताएगा, किसको दिया जाएगा बताइए? आपको क्या मतलब कौन सी सरकार का काम बढ़िया लगता है, क्या सोचकर आप लोग बटन दबाते हैं? हाँ साहब के हो कांग्रेस कांग्रेस राहुल राहुल हाथ तो वोट साहब उसको देने में खराब है? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपको काहे बढ़िया लगते हैं राहुल? हम लोग को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में? लगते हैं जी, कह रहे हैं जी सब बिहार को हम लोग सब तरह से दिख रहे हैं, रोड लाइन जब बन रहा है तो इसी से तो सब लोग हम लोग कह रहे हैं जब आपकी पारी बदला जाए उसी को दिया जाए, कांग्रेस को दिया जाए। उनका तेजस्वी से गठबंधन भी है। हाँ कांग्रेस का आए थे इधर राहुल, आए थे इधर? ना इधर तो नहीं आए, नहीं आए ना, नहीं तब भी आपको कांग्रेस पसंद है? हम लोग को पसंद है, दिया जाएगा उनको दिया। आपके यहाँ के सांसद जो हैं वो भाजपा से हैं, वो क्या काम किए हैं? इतना तो नहीं बता सकेंगे, अब क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए, बाकी वोट तो आपकी बदला ही होगा। क्यों नाराज हैं आप लोग? अच्छा नाराज है हम लोग, कोई काम नहीं हुआ है चाचा क्षेत्र में? कहाँ काम है सर, ये दारू भी चल रहा है, खुला दारू हो गया, मोदी है जब वो सब कहे हैं दारू बेचा ही रहा है, दारू बंद है बिहार का। हाँ तभी तो मत खरीदी, यूपी के रोड पर लड़ रहा है झगड़ा रहा है, तो बिहार में खाली दारू बंद है, ना यूपी बंद होता है ना पंजाब बंद होता है, खाली बिहार का दारू बंद है। तो आप मत खरीदिए, आपको दिक्कत है तो उनसे उनसे पैसे बिखरा रहा है, हम लोग कहाँ करते हैं, जो पी रहा है वो नहीं देख रहे हैं, कोई अलग पी कर झगड़ा कर लेता घोल लेता रोडे में मार देता ठोकर ठोकर सब देख रहे हैं। तो आप लोग आखिरी समय में सोचते हैं चाचा किधर जाना है, या कुछ मिलता है उधर दे देते हैं? क्या तभी तो अभी मूड नहीं बना पाए हैं, सोच रहे हैं कभी आप इधर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं आप जो है नीतीश कुमार को देंगे, तो आप भी नीतीश कुमार की तरह बिना पेंदी के लोटा हो गए, इधर डह रहे हैं उधर डह रहे हैं। अब आप सुनिए, हम किसी को धारता बांधता में नहीं है, समझे? हमारा दिल जहाँ जाए वहाँ जाएंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है जो भाजपा को छोड़े और कांग्रेस में घुसे। हाँ हमारा कांग्रेस जिंदाबाद। तो कांग्रेस का कौन सा काम बढ़िया लगता है? जो भी होगा होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ वो भी ठीक है। हाँ लेकिन कांग्रेस जिंदाबाद। तो भाजपा क्यों नाराज है? भाजपा नाराज रहेगा। आप क्यों नाराज हैं भाजपा? क्यों नहीं, बहुत उधर हैं जो क्यों नाराज हैं? जितने मतलब बुरा लगा होगा, कुछ तो सोचे होंगे, क्योंकि आपके बुरा तो सब सरकारें को हम लोग कह रहे हैं, सब काम तो कुछ बढ़ जाता है, कभी गैस पर बढ़ जाता है, कभी राशन पर बढ़ जाता है, ये कहे नहीं कम होता है। अच्छा महंगाई से नाराज है? महंगाई से नहीं, जब मतलब कामे दिशा रहे तो हम लोग पब्लिक जिसको सोच रहा है बदलने को तो बदल दो भाई, सबको बदलो, हटाओ। लेकिन आपके सांसद तो भाजपा से है ना, तो पिछली बार आप लोग भाजपा पे बटन दबाए थे, दबाए बार नाराज हैं? चलिए कुछ और लोग इकट्ठा हो गए, क्या भैया क्या है माहौल इधर का, आप लोग क्यों भाग रहे हैं भाई? बंदूक लेके थोड़ी आए हो कि भाग रहे हैं? नहीं, कोई नहीं भाग रहा। क्यों भाग रहे हैं भैया बताइए, इसके बाद जाइए हम भी जाएं। क्या है चाचा? सब लोग तो अपना कंपनी के बिजनेस में लगा है, जबकि वोट जहाँ जाना है जहाँ पब्लिक अपने 10 दिन में 20 दिन में लोट लेगा, जो किसको दिया जाए बताइए। पर हम तो जानने आए हैं ना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। वो हम लोग जानते हैं, आप खैर है ठीक है आए हैं, अपने विकास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बहुत विकास को। भैया तू लोग बिना पेंदी पंजाब में जल जाकर तो भाषण कर दे, पंजाब में जाकर तो भाषण करे वो कौन मोदी, मोदी विकास किया है तो पंजाब जाए। हाँ उसका सरकार नहीं है पंजाब का, पंजाब में आम आदमी पार्टी आने जा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत नाराज हैं, भारत के एक कोने कोने जा रहे हैं। कौन? मोदी। मोदी ओ कौन कौन ऐसा स्कूल हो, कह रहे मोदी में हिम्मत है तो पंजाब जाए। पंजाब नहीं जाते हैं वो, चारों तरफ पंजाब जाते हैं, जाते हैं हर दूसरा कोई क्या करेगा, क्या कर रहे हैं देश का विकास कर रहे? नहीं देश का विकास कौन सा काम, कौन सा काम ने क्या है?
आगे बढ़ा रहे हैं देश को। भैया कह रहे हैं बहुत महंगाई कर दे रहे हैं देश में। महंगाई तो महंगाई खाइएगा तो पड़ेगा, नहीं महंगाई तो खाना छोड़ दें। खाना छोड़ दे तो कह रहे हैं महंगाई हो रहा है, मर जाओ तो खाना छोड़ दिया जाएगा। पाँच रुपया खीरा है, हर पब्लिक किन के खा रहा है। अगर इसको 50 रुपया मोदी कर देंगे तो खा जाएगा। हाँ तब 50 रुपया होगा तब उठाएंगे। महंगाई है तो खाना छोड़ दीजिए। विकास का खाना छोड़ देंगे, महंगाई है। विकास है, पाँच गिनती दिखाइए ना, पाँच क्या काम किए, पाँच गिनती दिखाइए। 10 साल के 14 साल के अंदर में पाँच गिनती किए हैं। अपने सांसद का काम बता दीजिए, भाजपा से हैं, दिखाइए अपने सांसद का काम बताइए। 3 तो भाजपा से हैं, भाजपा का, भाजपा का काम तो यही, भाजपा का नहीं अपने सांसद का बताइए। सांसद बनवाया है रोडवा। अच्छा ये वाला रोड देखिए कितना सीधा जा रहा है, पांच काम की नहीं है ना गिनती करके बीजेपी क्या कर रखा है सांसद। रोड की बात बताइए चाचा, पूछ रहे हैं भैया। रोड की बात, मेन रोड है, रोजगार की बात बताइए हमको, कहा दिए हैं रोजगार। और कम हुआ बताइए, एक ही कम हुआ बटन दबाएंगे और कम, और बताइए क्या। और मोदी बा संजय जायसवाल तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, संजय जायसवाल नहीं कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं सब। मोदी किया, मोदी का कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? देश का विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ है चाचा, विकास की नहीं है ना, कितना विकास है, कौन सा विकास कर रहे हैं? वही तो दिखा रहे हैं, रोजगार दिखाइए विकास। 5 किलो राशन से पेट भर जा रहा है, भीख बांटना छोड़ दे, भीख बांटना छोड़ दे, लाइन लागल छोड़ दो, आग लग रहा है, बेउद्दा बनाया जा रहा है पब्लिक के। कह रहे हैं कि बुरा लग रहा है तो राशन मत लीजिए भैया, सबसे पहले यही जाते हैं। हाँ सबसे पहले यही जाते हैं, सबसे पहले हमको बुरा नहीं लगता, हम जाते हैं, इनको बुरा लगता है, मत लाइए राशन। सबसे पहले 4 तारीख के बाद ये ना के जीता था, काम गिनाइए मोदी जी का, विकास दिखाइए। 4 तारीख के बाद हम नहीं देंगे, नहीं दे सकते, हमारा मुद्दा हम नहीं दे सकते। आप अपने इलाके का बताइए ना, देश का छोड़िए, वो तो देश का जनता, इलाका मेरे देश में आता है, दूसरी जगह थोड़ी आता है। अरे यार मतलब आप पूरे देश में तो वो जो आएगा वो आएगा ही, आपके अपने क्षेत्र का माहौल क्या है? बीजेपी आएगा, बीजेपी कारण क्या है? अच्छा काम कर रहा है बीजेपी सरकार, इसीलिए विकास का काम हो रहा है। राजनीतिक है बीजेपी से, काम बताइए, काम कर रहा है। सबसे पहले शिक्षा से आरक्षण हटाए, शिक्षा से आरक्षण हटाए तभी ठीक है, आरक्षण हटा दें। हाँ शिक्षा से और सब पे रखे, आरक्षण थोड़ा सा हाला हुआ था, और सब पर रखे, लेकिन शिक्षा से सिर्फ शिक्षा नहीं, ना नहीं काहे नहीं होगा, और गरीबी पे रखिए आरक्षण, गरीबी पे रखिए, लेकिन शिक्षा, शिक्षा जो है उसका आरक्षण नहीं। डिजिटल इंडिया दिखाइए हमको, नहीं रहा हमको, दिख ही नहीं रहा है, डिजिटल इंडिया नहीं दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, क्या दिख रहा है थोड़ा? डिजिटल इंडिया का माने जानते हैं? डिजिटल इंडिया का माने जानते हैं? नहीं जानते हैं? रोड देखिए क्या है इसमें, क्या सुविधा है नौतन ऐसा, क्यों नाराज हैं आप? ये शिक्षा से हटाया जाए, हाँ शिक्षा पे कौन साम्राज्य है कि जो गरीब मजदूर है अस्पताल अस्पताल में जाता है तो कोई कह रहा है मर्जी की नहीं देखो, कुछ नहीं कोई मर्जी, यहाँ जगह जाओ देखो कौन है, इनमें कौन है नहीं पता लग जाए। पांच काम दिखाया हमको बीजेपी का, बस पांच का सरकार बनिए जाता, और कोई अस्पताल में जाने में गरीब मजदूर नहीं देखता। पांच काम गिना दे हमको, कांग्रेस सरकार कर गई सरकार में देखो 10 वर्ष न मोदी रहा है, 10-14 तो 5 वर्ष कांग्रेस को भी देख लिया जाए, इसमें क्या है? क्या कह रहे हैं? 70 साल पहले 10 साल वो भी कह रहे हैं, वो भी राज किए 10 साल पहले, क्या बोले 70 साल? हाँ तो आप फिर 70 साल तो कांग्रेस रही, उससे पहले भी बीजेपी था, उससे पहले भी बीजेपी का काम किया वो भी बता दे हमको, वो भी दिखा दे, अभी तो 14 साल में क्या काम किए वो भी दिखा दीजिए भैया। ब्लॉक में चला कितना लुटाई बा, दस्तबे में कितना लुटाई बा, ब्लॉक में चला एगो काम चाहिए को आता समुचा जमीन का घूस दाखिल का होई, ब्लॉक में चला देखा भाजपा के सरकार में, ई न खाली ब्लॉक में हूं, ये ब्लॉक में कादा सब आ हर जगह घूस लग रहा है, एक आधार कार्ड पर 130 आदमी है, ओवर लुटात रहा तो हाथ से लुटात रहे, अब डिजिटल लुटा दा, जैसे लुटाते हैं घुस
दस्तावेज दी तो 10,000 रुपया मांगता है सीओ साहब, क्या पूछा था सरकार में जब गरीब मजदूर जाता है अस्पताल में, जाओ ले जाओ अस्पताल से बिस्में ले जाइए, सुविधा नहीं है तो मेरे जिसके पास पैसा होता है ले जाएगा। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ का जो सांसद है उसको बदलिए, यहाँ का सांसद को बदलना जरूरी है। गांधी जी वाला लील लू करत है लोग, गांधी जी वाला दवा खराब बहन हूँ, कांग्रेस एकदम अच्छा बा, पहले सब का अच्छा बा, कांग्रेस बा ना बीजेपी हो भाई, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, मुद्दा कौन देगा शिक्षा रोजगार, जो अच्छा होगा कैंडिडेट उसी के देंगे, नहीं तो सीधा नोटा देंगे, नोटा बस। अभी जो है उसमें कौन अच्छा लग रहा है? अभी तो फिलहाल में अभी कोई नहीं बताएंगे, फिलहाल नहीं बताएंगे, बुलडोजर का डर है क्या, किस बात का डर है? हम बिहार में रहते हैं, यूपी सरकार से डर नहीं, हमारा बिहार सरकार है, हमें यूपी सरकार का डर नहीं है। नीतीश कुमार का साठगांठ तो है ना? नहीं भैया, नहीं किसी के साठगांठ, हम किसी से पैसा लेके वोट नहीं देने जाते हैं, हमारा मुद्दा है हम खुद उठाएंगे, हमारा सरकार कोई काम करेगा अच्छा दिखाइए, हम चलते हैं, हम खुशी खुशी देंगे वोट, बस दो चाहे तीन चाहिए, पता चल जाएगा ना, कोई वोट मांगने आएगा हम उससे पूछेंगे भाई शिक्षा चाहिए हमको, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, और क्या चाहिए, शिक्षा रोजगार अच्छी सड़क चाहिए। 20 फुट 22 फुट में रोड पर चलते हैं, ये मेन रोड है, ये कोई ठोकर मार देता है धड़ाक से किसी बुढ़ के गिर जाएगा, सामने लगा है देखे हम लोग, देखिए यहाँ रोड का है, यही तो डिजिटल इंडिया है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, डिजिटल इंडिया में लुटा रहा है ना, पहले कैसे लुटा रहा है, डिजिटल इंडिया, पहले लोग हाथ से पैसा लिया करते थे तो हाथ से घुसखोरी चलती थी, अब जो है डिजिटली घुसखोरी चल रही है, पीछे से चल रहा है, इधर से इधर नहीं इधर से, हाँ ऐसे चल रहा है घुसखोरी, पहले गुलाम था आदमी से गुलाम था, अब डिजिटल गुलाम है, बात सही है। इधर का क्या है चाचा, आप लोग एकदम गोल 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 बतिया रहे हैं, क्लियर क्लियर क्यों नहीं बतिया रहे हैं, क्लियर कोई नहीं बात, क्लियर की कांग्रेस के सरकार ऐसा इतना बढ़िया, कांग्रेस कौन बढ़िया काम कर ले बताओ, उनका बेरी हमने के सब कुछ के सर सुविधा रहे, इनका जैसे भाजपा बढ़िया काम कर दिए हैं, कोई नहीं किए हैं, क्या बदलाव हुआ है, बीजेपी के भैया हम उसी वोट देंगे, बीजेपी के देंगे, काम बता दीजिए, आप सुनिए 100% में 95% है मेरा कांग्रेस के लोग गुण गावता, हाँ 5% जो दल बदर वही नीतीश कनिया उसी का पक्ष खींचेगा, हाँ भाजपा को, लेकिन आप सुन रहे हैं किसको बोली, एक बोली सब बोल रहे हैं, चाचा पहने हैं भगवा वही बताएंगे, बताएंगे करेंगे, बताइए बताएंगे हम, अच्छा भैया तिलक लगाए वो बताएंगे, भैया बताइए भाजपा बढ़िया है कांग्रेस घर या ना हो घर, मोदी और कांग्रेस दोनों तो पूरे देश का मुद्दा है ना, ये तिलक वाले भी नहीं बता रहे हैं अब तो, 5-10 वर्ष मोदी को देख लिया है, अब कांग्रेस को 5 वर्ष हमको देखने दीजिए, मौका दीजिए, अभी से बताया जाएगा सर, जो पूछा जाएगा जो आप बताइए किसको वोट दीजिएगा, बता सकेंगे बता सकेंगे, ये नहीं बता सकते, हम लोग कैसे बता दें, अभी वोट कहाँ है अभी बता देंगे, ये भी तो कह रहे हैं सर आप नहीं बता सकते हैं तो हम भी बता सकते हैं, जैसे आपसे पूछ रहे हैं सर आप ही बता दीजिए किसको वोट दिया जाएगा, तो कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये फला पार्टी का प्रचार करने आई है, तो इसलिए नहीं बता सकते ना, यही तो पूछ रहे हैं, ये तो पूछ के हम लोग समझ गए नू, तो इसलिए हम लोग बता रहे हैं जिसको अच्छा लगेगा वो जहाँ देगा, सबसे बढ़िया जो दारू चालू करेगा उसको हम वोट देंगे, बिहार में देखिए इकोनॉमी घट गया है बिहार का, ठीक ना, सबसे ज्यादा टैक्स आता है दारू से, ठीक ना, बिहार का इकोनॉमी घट गया, अभी मान लीजिए दारू बंद है, नहीं बंद है, मिलता है दारू यूपी से आता है, नेपाल से आता है, किसको पैसा जा रहा है, बगल वाले राज्य को जा रहा है,
सबसे बढ़िया चालू कर दीजिए, अपना राज्य का पैसा आएगा। हम कहेंगे जो चालू करेगा, जो सरकार चालू कर दे, अभी हम तो कांग्रेस को वोट देंगे कि हमको आशा है कि हाँ कांग्रेस कर देगा। सही बात है, ठीक है। दारू भी मुद्दा होता है क्या चुनाव में? काहे नहीं होगा महाराज, दारू ये खातिर विकास निकल रहा, दारू की वजह से विकास रुक जाएगा। विकास दिखाइए रखा है मोदी जी को, विकास पंजाब सब हतर दारू चल रहा है बिहार के लिए, सब सरकार इसको बंद करा दे। इससे बेची तो बेचा रहा है, इससे बेची धांधली है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब बाहर दवाई लिखता है, हम अपना मजबूरी के लिए पैसा का कमी के लिए हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल से दवाई लिखता है बाहर चाहिए। दवा क्या हो जा रहा है, क्या हो जाता है हॉस्पिटल को? दवा रीजनल दवा सप्लाई हो जाता है और लोकल दवाई हॉस्पिटल में रहता है। दवा आता ही नहीं, बोलते आ ही नहीं रहा है, बाहर जा रहा है दुकान दुकान में, वही सप्लाई हो रहा है, वही सप्लाई हो रहा है, आ ही ना रहा दवा तो मिलेगा क्या? पांच काम दिखाए, वोट लीजिए, खुशी खुशी देखिए। आप लोगों को पांच काम ही नहीं दिख रहा भाजपा? नहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा है ना, काम दिख रहा है। 49 करोड़ रुपया था ना, 205 करोड़ तो कर्जा हो गया देश पे। हाँ, एक आदमी पे लमसम 1 करोड़ रुपया कर्ज, 1,08,000 रुपया कर्जा है, एक बच्चा पे कर्जा है, एक बच्चा, एक छोटा छोटे बच्चे जो नम्र है उस पर भी कर्जा है। वो कहाँ गया है पैसा? कहाँ गया? वो देखना चाहते हैं। वो बोले थे मोदी जी, बोले थे काला धन लाएंगे। काला धन तो क्या आया? सारा घोटाला करके बैठ गए, दिखाया नहीं कि काला धन आया कहाँ? कोई बात नहीं, बुलाइए बुलाइए आप, कोई बार हम पूछेंगे सवाल, उनसे भी पूछ सकते हैं, हमारा मुद्दा है, हम जानता है, पूछ सकते हैं। राजा बनाते हैं काय के लिए? सवाल अपना पूछने के लिए हम बनाए, उसी पर से गिरा भी सकते हैं। हमारे जब उतरेंगी तो आप लोग जय जय चिल्लाने लगेंगे। नहीं जी नहीं जी, पा नहीं नहीं गिराएंगे, नहीं बदलने का हम लोग इरादा कर लिए हैं। राजा को उतारेंगे कुर्सी पर से, अब दूसरा राजा बैठेगा। 14 साल कोई बोलता था यहाँ से कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं, क्या बीजेपी में राजा का बेटा राजा नहीं है? परिवारवाद बीजेपी में नहीं है, सब में है परिवारवाद। बस दिखावा है, इस पार्टी को इधर गाली देना, इस पार्टी के इधर गाली देना, सब एक ही जगह खाना खाते हैं, डिनर एक ही जगह करते हैं। वो बात और वो बात किसी को दिखाते नहीं है, आपस में उनको गाली वो देगा, उनको गाली वो देगा, सब एक ही जगह जाते हैं। पब्लिक तमाशा बनता है, बन रहा है पब्लिक। जाओ भाई, ये जानकारी कहाँ से ला रहे हैं कि सबका डिनर एक जगह होता है? चुरा के ला रहे हैं हम, सब सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसमें सर अगर हम लोग 5 आदमी अगर कहेंगे हाथ चापके देंगे, 5 आदमी कहेगा कमल का फूल चाह देंगे, तो किसी 5 आदमी 10 आदमी उठ जाएगा हाथ चाप पर, 50 आदमी उठ जाएगा कमल के फूल पर, यहाँ बात नहीं कट जाएगा। इसलिए हमें लोग सब पब्लिक सब है, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वहाँ दिया जाएगा, बड़ों को बताया जाएगा, जो अच्छा लगेगा उसको दिया जाएगा। महंगाई है, बेरोजगार है, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, सब लोग हम लोग सर इतना दिन से सर 19 वर्ष से काम कर रहे हैं, आपका सरकार कह रही है कि हम यह करेंगे वह करेंगे, कोरियर का वैक्सीन कोरियर जो दवा लेके जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र पर, उसको सरकार ने आशा को ममता को पानी का बौछार कर दिया, उतना पानी में भीग रहा है, 90 रुपये आज मिल रहा है, पोलियो में 75 में, इसलिए सरकार कहाँ है आपका? कहाँ है सब सरकार? गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, आप बताइए। हाँ, इतना लोग जनता बताए ताली के साथ में, सही बात है ही गलत है? सरकार कहाँ है, छुपी है? आज हम 90 रुपये पर गाँव में काम कर आ रहे हैं, आप 75 में पोलियो पिया जाए, क्यों अत्याचार हो रहा है? कहाँ है सरकार? खाली कर 18,000 देंगे, 20,000 देंगे, सब फोकसबाजी है, जितना सरकार ही चल रही सब फोकसबाजी। बिहार में गरीब का देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है मजदूर को देखने वाला। नीतीश जी बोले थे कि विशेष राज करेंगे, विशेष राज करे क्या है? नीतीश कुमार है, 14-15 साल करे थे। अरे नीतीश कुमार पलटू चचा है, बेकार है कि राजनीति में आराम से जाए, कोनो बिजनेस विजनेस करते हैं, आराम से गाँव को गाँव में रहते हैं, बेकार का हम लोग का भी भविष्य खा रहे हैं। बताइए ग्रेजुएशन का कैसे ही घूम रहे हैं हम? है रोजगार है अपने राज्य में? रोजगार किस पे भरोसा है, कौन देगा? अरे देखिए, रोजगार मतलब समझ लीजिए, तो हमारे ख्याल से अभी आई थी RJD की सरकार आई थी, बीच में पलटा है, तो क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव आए, मतलब जितना दिन के लिए आए कुछ तो रोजगार दिए। हमारा ख्याल है कि हाँ बीजेपी से अच्छा तेजस्वी यादव कर सकते हैं बिहार में, इसलिए हम तो कांग्रेस को वोट देंगे।
बीजेपी केवल नाम पे बढ़ रहा है, ऐसा है ना कि मतलब बीजेपी सही है ठीक ना, लेकिन उसमें अरे पैसा का 15 लाख आया, जुमला सुनिए पहले, 15 लाख देंगे इस बार, 20 लाख आएगा सबको खाते में, 5 साल की टोफी दिया गया है, बन रहा है किसान तो बोल रहा है कि हम ऋण माफ कर देंगे, कहाँ गया, वोट आ गया तो माफ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इस सरकार, कभी नहीं करेगा है ना, सभी इसी तरह फोकस देते रहेगा, वोट लेते रहेगा। क्या कह रहे हैं भैया, बोलिए बोलिए ना ना क्या बोलिए। देखिए बीजेपी सही पार्टी है, लेकिन उसमें कार्यकर्ता जो है ना निचले स्तर पे वो लोग सही नहीं है, जैसे हमारे सांसद जी को देख लिए डॉक्टर संजय जायसवाल, कोई नहीं आएंगे घूमने, कोई कोनो जरूरत नहीं है ठीक ना, जब वोट मांगना रहता है आ जाएंगे। बीजेपी पार्टी सही है, कार्यकर्ता सही, कार्यकर्ता सही नहीं है उसमें, हम तो यही कहेंगे। पार्टी के रूप में लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई कर रही है सरकार, महंगाई है मान लीजिए, हाँ महंगाई तो चल ही रहा है, 250 रुपया किलो है, महंगाई क्या है, तेल 250 रुपया किलो है, उसके बाद 500 रुपया हो गया, महंगाई क्या, हम खा लेंगे। बीजेपी अच्छी पार्टी है तो उनका कौन सा काम अच्छा लगता है बताइए जनता को, क्या जी बीजेपी आपको अच्छी लग रही है तो उनका कौन अच्छा नहीं लगता है, वोट अच्छा लगता है बीजेपी के, एक ही बात अच्छा लगता है, 15 लाख देंगे, 15 लाख सबके खाते में आया, यही अच्छा लगता है सबसे बढ़िया, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, गोली खिलाने में अच्छा काम करते हैं, अच्छा आपको 15 सबसे अच्छा यही लगता है, 15 लाख आ गया सबके खाते में, चाचा इनको सबसे अच्छा 15 लाख लग रहा है, कह रहे बीजेपी आएगी 15 लाख पड़ गया इनको, फ्री का माल खाने का आदत पड़ गया, काम नहीं करेंगे, महंगाई देखेंगे, 8-10 बच्चा पैदा करेंगे लेकिन 2 बच्चा नहीं पैदा करेंगे, महंगाई लगेगा, फिर एक बार 2 लाख से पार से जीतेंगे संजय जायसवाल यहाँ से, क्या कह रहे हैं भैया, 2 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे, फिर एक बार संजय जायसवाल, हम भी बता रहे हैं कि 15 लाख अच्छा लगता है बीजेपी का, जुमला बहुत अच्छा लगता है हमको, जुमला में पब्लिक गुरा रहे हैं, संजय जायसवाल 2 लाख से अधिक, 2 लाख से ऊपर से जीतेंगे, अभी 2 लाख से ऊपर अधिक से, भैया हमको तो 400 के पार लगा है, लग रहा है आपकी 200 के बाहर ना जाए, यही लग रहा है।